बात करेंगे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रेम जी और को प्रोड्यूसर अरुण जी। तो प्रेम अरुण की जोड़ी जाने मन लेके आ रहे थे, इस जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम अरुण की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे, जो जाने मन का निर्माण कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म क्या कहेंगे? उनके बारे में दोनों अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन लोगों की प्लानिंग हुई कि फिल्म बनानी है, हम लोगों ने स्टार्ट किया इस पे। तो आपने जो सोचा था फिल्म को लेकर कि जाने माने एक अलग विधा की फिल्म होगी भोजपुरी में, क्योंकि आपकी जैसे फिल्में हमेशा अलग बनाते हैं, तो आपने जब सब्जेक्ट सुनाया था इनको, इन्होंने क्या बोला कि फिल्म उनके हिसाब से बनना चाहिए कि एज ए डायरेक्टर अरविंद चौबे जो है उनके हिसाब से बनना चाहिए? नहीं, इन लोगों ने बोला कि अरविंद जी आप अपने हिसाब से बनाओ, आप टोटल कॉन्फिडेंस उनको मेरे ऊपर। कलाकारों का जो चयन किया उसके बारे में क्या कहेंगे, कहानी के हिसाब से या टोटल? कहानी के हिसाब से, मतलब कहानी में जो फिट बैठे उनको उनको ही, उनको ही लिए। भोजपुरी जैसे सुपरस्टार खेसारी लाल हैं और न्यू कमर प्रियंका पांडे पंडित हैं, काजल हैं, विराज भट्ट, शिखा मिश्रा हैं, संजय पांडे, इन सब जोड़ी को लेकर के आप आ रहे हैं, तो इसमें दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, क्या अलग दे सकते हैं? इसमें काफ़ी कुछ अलग करने की कोशिश की है। कलाकारों को कितना सहयोग मिल रहा है? कलाकारों का बहुत अच्छा सहयोग था इसमें। एक और आप लेके आ रहे हैं, मतलब नई खोज कह सकते हैं, अनूप लोटा। आप तक अनूप जो लोटा जानते हैं, तो अनूप लोटा को आप हाईलाइट करें, क्या कहेंगे? अनूप लोटा का तो एक इत्तेफाक गई है कि हमने आनंद बाबा के लिए रोल रखा था, उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम हुई, अनूप काफ़ी दिनों से लगा हुआ था साथ में, बोला तुम ही कर लो, है उसके लिए रोल अच्छा है, एक्टर अच्छा है वो। एक और सिंगर आपके फिल्म से आएगा जिनका नाम है अनिल लाल यादव, क्या कहेंगे? एक मत बोलो आपको कुछ। सर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से यही कहेंगे कि जो अभी तक मेरी फिल्मों को देखकर उन्होंने जो प्यार दिया वो आगे जारी रखे, उनको अच्छी अच्छी फिल्में देते रहूँगा। आज जो गाना हो रहा है इसके बारे में क्या फिल्म में क्या सिचुएशन है इस गाने का? इस गाने का लड़की फ्राक पहन के चल रही है, उसी पर अपना हीरो का कॉमेंट है ये गाना है, फ्राक कॉस्ट्यूम के ऊपर है। गंदी हम खालू की रोज बढ़े
सबसे पहले हमारे इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। ये फिल्म में प्रियंका जी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मजा आ रहा है उनके साथ काम करके और बहुत अच्छा लग रहा है। फराक तो टाइट हो गई, एक फैशन के ऊपर है कि लड़की छोटी है लेकिन कपड़े उसमें टाइट हो रहे हैं, उसके ऊपर ये गाना है और बड़ा मजा आ रहा है काम करके, बहुत अच्छा लग रहा है। और जाने मन के लिरिक्स जितने भी हैं सुपर डुपर हिट, मैंने मेरे नज़र में तो हैं, बाकी पब्लिक के ऊपर मेरे हिट कहने से तो कुछ हिट होता नहीं है क्योंकि पब्लिक का के जो पसंद है वही हमारे लिए सब कुछ सर्वोपरि है, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, अभी तक तो विराज जी की और खेसारी की जोड़ी जब इतनी सुपर डुपर जान तेरे नाम जैसी फिल्मों को दिया है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि उनका भी जोड़ी और हमारा जोड़ी कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। हमारा पब्लिक का प्यार हमें मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि उनके प्यार और आशीर्वाद के बिना कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी कलाकार, कोई भी आर्टिस्ट अधूरा रहता है। अरविंद चौबे जी का काफ़ी अनुभव है और एक अरविंद चौबे सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, उनके बारे में क्या कहना है क्योंकि गार्जियन के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा औकात नहीं किसी गार्जियन के बारे में बोलना। हम उनके एक बच्चे की तरह है, अरविंद चौबे एक बहुत गार्जियन स्वरूप है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं फिल्म में अगर हैं तो, और वो जो जैसे करते हैं वो करवाते हैं, हम करते हैं और बहुत अच्छा करवाते हैं, मज़ा आता है उनके साथ काम करके। मैंने एक ही फिल्म की थी उनके साथ, दिल ले गई लुढ़निया वाली, जो कि बहुत पब्लिकों को पसंद आया और उनका काम करने का तरीका बहुत इंजॉय करके हम लोग काम करते हैं उनके साथ, बड़ा मज़ा आता है। अंतर इसका स्टार कास्ट बहुत ऊपर है, उसमें सिर्फ ओनली खेसारी लाल यादव था और रंजना सिंह थे, बाकी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो फिल्म चली तो अरविंद जी के जब एक खेसारी और अंजना जी को लेकर इतनी बड़ी हिट दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो विराज जी भी हैं, हम भी हैं, दो दो हीरोइनें हैं, उसमें एक ही हीरोइन थी, इसमें दो दो हीरोइन, बहुत बड़ा सेटअप है तो कुछ अच्छा ही होगा, मुझे मेरा भी दिल कह रहा है। कि गजबे बाचे हरा के लाइट मन करे कली सुसाइट कवन खालू वेंटी बैटिक रोज बढ़े तो हर हाइट तो बोल कहले तारु डाइट फराक तहर टाइट लगता। थैंक यू, वेलकम। मैं नीचे ही हूँ यार, मैं नीचे हूँ, और क्या करूँ। आप प्रियंका जी आज क्या कहेंगे गाने में, आप और खेसारी जी एक बार फिर गाने में नजर आ रही तो कितना एंजॉय कर रहे हैं? ये एक वर्ड है ये गाने का कि फराक तहर टाइट। इस फिल्म में मेरे खेसारी जी के साथ तीन गाने हैं और ये तीसरा गाना है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ डांस करने का। आप सब जानते हैं खेसारी जी बहुत अच्छा डांस करते हैं, उन्हें मैच करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बात करें जो फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम जी हैं अरुण जी, प्रेम अरुण की जोड़ी लेके आ रही जाने मन, क्या कहना चाहेंगे आप? इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी है। वैसे जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी तो तब मैं अहमदाबाद गुजरात में थी और प्रेम जी और अरविंद जी ने कहा था प्रेम और अरुण जी को कि आप प्रियंका को लीजिए ये कैरेक्टर के लिए जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ बासमती का,
बोले मैं चुलबुली हूँ ना, रियल लाइफ में भी बहुत बोलती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ और मेरा रोल भी उसी तरीके से है। मैं खेसारी जी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड, उनसे वन साइड लव करती हूँ और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे नाटक नौटंकी सब करती हूँ, बस उसमें से ये एक गाना। तो बात करें फिल्म के डायरेक्टर अरविंद चौबे जी, क्या उनके साथ जो आप उनके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी इनके साथ तो मैं एक और फिल्म करने वाली थी कलुआ जी के साथ, लेकिन वो मिस करेगी क्योंकि मेरी जीना तेरी गली रिलीज नहीं हुई थी। तो अब ये मुझे उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है अपने जाने मन में काम करने का। आई होप कि जाने मन भैया।